पिंकी बेटा, इतनी देर से क्या कर रहे हो यहाँ? चलो अंदर चलो। नहीं अम्मी, अभी मैं कुछ देर यहाँ बैठना चाहती हूँ। क्या करोगी यहाँ बैठ के बेटा? चलो बस अंदर चल के सो जाओ। अम्मी, अगर आपको जल्दी नहीं है तो मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ? हाँ हाँ मेरी कोई जल्दी नहीं है। लो, मैं तुम्हारे पास ये बैठ गई। अब बोलो क्या बात है? अम्मी, अब मुझे इस कमी का एहसास भी होने लगा है कि मेरी कोई दोस्त नहीं है, जैसे बेबी की दोस्त हैं खुर्रम के, मेरी कोई दोस्त क्यों नहीं है? अगर मेरी कोई दोस्त होती तो शायद मुझे इतनी तन्हाई महसूस नहीं होती, मेरा हर पल इतना अजियतनाक नहीं होता। मैं जब जब सांस लेती हूँ मुझे एक अजीब सी घुटन महसूस होती है। मैं तुम्हारे इस असाद को समझती हूँ बेटा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ। बल्कि मैं तो ये जानती तक नहीं कि मैं तुम्हारे लिए कर क्या सकती हूँ। और रही दोस्त की बात, तो दोस्त होते नहीं बेटा, बनाए जाते हैं। तुम अच्छी तरह समझती हो कि तुम्हारे दोस्त क्यों नहीं? अम्मी, मैं जानती हूँ कि मेरा कोई दोस्त क्यों नहीं है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि मैं अपनी किन किन महरूमियों का मुकाबला करूं। मैं अपनी तकदीर नहीं बदल सकती अम्मी, कभी नहीं बदल सकती। अशद ज़रूरत है, वो जब भी अकेली रहेगी सोचते सोचते मजीद डिप्रेशन का शिकार हो जाएगी। ठीक है डॉक्टर साहब, हम उसका एक्स्ट्रा केयर लेंगे, लेकिन कोई तशवीश वाली बात तो नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने उन्हें ड्रिप लगा दी है, थोड़ी देर बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, थैंक यू सो मच।
बेटा मैं हूँ अम्मी। मैं कहाँ हूँ? बेटा आप घर में बेहोश हो गई थी ना, तो हम अब आपको अस्पताल ले आए। कैसी हो बेटा? पापा, पापा आप प्लीज मुझे घर ले चले, मुझे घर जाना है। हाँ बेटा, जैसे ट्रिप खत्म होती है हम घर चलते हैं। पिंकी को इस हार में देख के मुझे बहुत डर लगा। डर तो मुझे भी बहुत लगा, लेकिन समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। डॉक्टर कह रहा था कि वो सोचती बहुत है इसलिए डिप्रेशन का शिकार है। मेरा ख्याल है कि इसका सबब सिर्फ उसकी तन्हाई नहीं बल्कि नाबीना होने की वजह से वो डिप्रेशन का भी शिकार है। अक्सर मुझसे अपनी महरूमियों का जिक्र करती रहती है, आए दिन नित नए ख्याल आते हैं उसके जहन में। वो देख नहीं सकती, ये दुख तो अपनी जगह सही है, लेकिन अब उसको ये फिक्र खाई जा रही है कि उसका कोई दोस्त नहीं है और वो किसी को अपना दोस्त बना भी नहीं सकती। कभी किसी बात का गिला करती है, कभी किसी बात का। आखिर हम उसके कौन कौन से दुख का मदावा करेंगे? हम तो कुदरत से भी गिला नहीं कर सकते। पिंकी जैसे हजारों लोग हैं, कोई अंधा है, कोई अपाहिज, कोई गूंगा है, कोई बहरा, हर कोई अपने अपने तरीके की जिंदगी गुजार रहा है। कायनात का निजाम ही इस तरह चलता है तो हम क्या करें? तुम्हें दुबई जाने की क्या जरूरत थी? अम्मी जान, आपको पता है कि मेरे सब दोस्त दुबई में एस्टैब्लिश्ड हैं अपनी फैमिलीज के साथ। असल की शादी थी, वो मुझे लंदन से सीधा दुबई ले गया। यू नो, वो लोग तो मुझे और रोकना चाह रहे थे, मैं आपकी वजह से आया। अब भी तुम कब जल्दी आए? अब किले शिकवे खत्म करें, आ तो गया ना। तुम बहुत केयरलेस हो गए। तुम लंदन से दुबई चले गए, मुझे एक फोन तक नहीं किया और कहते हो गिला ना करूं। आई एम सॉरी, अब मैं आ गया हूँ ना, आपके साथ रहूंगा तो हर चीज की केयर करना सीख जाऊंगा। आई प्रॉमिस। जिस तरह 15 साल पहले इस शहर को छोड़ के गया था ना, बिल्कुल वैसे ही है। हाँ, बस आबादी और बसों के हजूम में थोड़ा सा इजाफा नज़र आया मुझे। अब ऐसा भी नहीं है। अच्छा ये बताएं कि हमारे इस प्यारे मुल्क पाकिस्तान ने तरक्की भी की है या नहीं? अपनी बिसात के मुताबिक की है, लेकिन अगर बड़े बड़े सरमायादार मुल्क से बाहर ना चले जाएँ तो ये मुल्क मज़ीद तरक्की कर सकता है। सरमायादार बगैर किसी वजह के माइग्रेट नहीं करते, वो सबसे पहले अपनी वैल्यूज़ को देखते हैं और जहाँ पर भी उन्हें अपना फ़ायदा नज़र आएगा वो लोग पैसा तो वहीं पे इन्वेस्ट करेंगे ना, चाहे वो दुनिया का कोई भी मुल्क हो। तुम्हारा क्या ख्याल है, इस मुल्क में तरक्की या पैसा कमाने का इम्कान कम है? मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जब मैं अपने पाकिस्तानी सरमायादारों को फॉरेन कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करते देखता हूँ ना, तो मुझे भी यही लगता है कि पाकिस्तान में तरक्की के चांसेस कुछ कम है। एनीवे, इस चैप्टर को क्लोज करो। अच्छा ये बताओ तुम्हारा सफ़र कैसा गुजरा? बहुत शानदार। 15 साल बाद पाकिस्तान आने की खुशी थी ना, बहुत अच्छा लग रहा था जहाज़ की खिड़की से नीचे देख के। बहुत खूबसूरत मुल्क है हमारा। खुदा का लाख लाख शुक्र है, इतना अरसा लंदन में रहने के बावजूद तुम्हारी उर्दू लैंग्वेज ज़रा ख़राब नहीं हुई। अम्मी जान होती भी कैसे, आपने तो मुझे लंदन में भी इंग्लिश नहीं बोलनी थी।